Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Saida Sakina. I've been working as a registrar Pakistan Air Force Hospital and was working as a consultant dermatologist at Skin and Laser Clinic Afton Islamabad. Currently, I'm working as consultant dermatologist at City Clinic and Asif Clinic Wakhand. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं रिगार्डिंग लेजर हेयर रिमूवल दैट व्हाट इज लेजर हेयर रिमूवल एंड व्हाट इट डज. सो बेसिकली टुडेज प्रेजेंटेशन इज रिलेटेड लेजर हेयर रिमूवल. व्हाट लेजर स्टैंड्स फॉर इट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. थोड़ा सा मुश्किल ये टर्मिनोलॉजी है. करता बेसिकली लेजर ये है कि आपके स्किन के ऊपर एक लाइट सोर्स को एम्प्लीफाई करके या उसको बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट करके स्किन के ऊपर डायरेक्ट करता है, स्किन के ऊपर लगाता है. सो इट इज बेसिकली एन एनर्जी बीम विच इज बेसिकली कंसेंट्रेटेड ऑन योर स्किन. और ये मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है जो कि हमारे ओपीडीज में डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है. फ्यू गुड थिंग्स रिलेटेड लेजर हेयर रिमूवल आर कि इट इज़ वेरी प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब ये है कि जहाँ आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसी एरिया को सिर्फ टारगेट करता है. इसका अपर्चर इतना छोटा होता है कि ये आपकी सराउंडिंग स्किन को normally damage नहीं करता. So you can get it done on your eyebrows, you can get it done on your upper lips as well. और दूसरी इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि एक few fraction of seconds के अंदर ये बहुत सारे hairs को target कर सकता है. So the time taken by the procedure is very minimal depending on the side. अगर आपके जैसे for example upper lips है या eyebrows है या face है, it only takes 10 to 15 minutes. अगर body area आपका ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा. एंड प्रिडिक्टेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन योर अगेन हेयर की डेंसिटी पे, उसकी थिकनेस, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हुए आपके यू कैन गेट फ्यू सेशंस. मिनिमम हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आपको कम से कम 7 से 10 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट हेयर फ्री स्किन. द सेकेंड थिंग मैंने थोड़ी सी आपको क्लैरिफाई करने के लिए एक वीडियो थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ कि इसमें हो क्या रहा होता है प्रोसीजर के अंदर. लेजर बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर इस तरीके से एनर्जी को या जो उसकी हीट होती है उसको स्किन के ऊपर डायरेक्ट कर रहा होता है. अब उससे होता यह है कि जब भी आपका हेयर का रूट है या हेयर फॉलिकल है उसके अंदर जब इसकी हीट जाती है तो उसके हेयर फॉलिकल के पिगमेंट को भी डैमेज करता है और साथ साथ जो है आपके बालों को ये वीक करता जाता है. और जैसे जैसे आप सेशंस कराते जाते हैं आपकी स्किन जो है वो हेयर फ्री होती जाती है. और इसके अलावा जो है आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ साथ बताती जाती हूँ कि आपके इसके अंदर जो लेज़र हेयर रिमूवल है उसके अंदर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सबसे पहले तो हम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं. फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्किन को प्रिपेयर करने के लिए हम इफ़ यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर स्किन वी प्रेप द स्किन, क्लीन करते हैं उसको. उसके बाद उस एरिया के ऊपर हम नमिंग क्रीम अप्लाई करते हैं अगर सेंसिटिव पार्ट्स हैं. और आई प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट को भी और एट टाइम्स जो ऑपरेटर होता है उसको भी हम गॉगल्स देते हैं. एंड देन वी स्टार्ट द प्रोसीजर. जैसे अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई उसी तरह से हीट आपकी स्किन के ऊपर लगती है. पोस्ट प्रोसीजर जो है पेशेंट को हमने थोड़ी बहुत केयर बतानी होती है. जर्नली व्हाट केयर यू शुड बी डूइंग आर के आपने एक तो सनब्लॉक बहुत अच्छा लगाना है. अगर आपको कोई बहुत रेडनेस हो रही है तो वी माइट गिव यू सम टॉपिकल ऑइंटमेंट्स क्रीम्स हम आपको बता देते हैं. और फॉलो अप जर्नली हमारे पास जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसमें हम पेशेंट्स को बुलाते हैं इनिशियली आफ्टर 2 वीक्स, बट लेटर ऑन जो है महीने के बाद पेशेंट को हम फॉलो अप के लिए बुलाते हैं. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर अवेलेबल फॉर हेयर रिमूवल जिसमें IPL है, डायोड है, एनडीएक है, एलेक्जेंड्राइड है, क्यूस्विच है. बेसिकली द मेन टू लेजर्स एनडीएक एंड एलेक्जेंड्राइड एंड द थर्ड वन इज डायोड. ये तीन है जो कि बहुत अच्छा हेयर को टारगेट करते हैं. और ये लेजर्स जो है आपके थिक और थिन दोनों हेयर्स पे अच्छा काम करते हैं. क्यू स्विच्ड इज बेसिकली नॉट मेंट फॉर हेयर रिमूवल. ये सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को ब्राउन करने के लिए यूज करते हैं. ये सवाल भी मेरे बहुत से पेशेंट्स ने अक्सर पूछा हुआ है कि क्यू स्विच लेजर अवेलेबल है फॉर हेयर. तो हेयर के लिए बेसिकली क्यू स्विच इज नॉट हेल्पफुल. इट जस्ट चेंजेस द कलर ऑफ योर हेयर. साइड इफेक्ट्स जाहिर बात है किसी भी प्रोसीजर के जैसे बाकी प्रोसीजर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो लेजर के देयर आर फ्यू साइड इफेक्ट्स. बट
इफ यू गेट इट डन फ्रॉम अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर जो आपका डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है उसके स्किल्स हैं अच्छे लेजर करने में, तो देर आर नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल. बट जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें बर्न्स है, स्किन के ऊपर रेडनेस आ सकती है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो सकती है, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं. बट ये साइड इफेक्ट्स अगर आप सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से लेजर कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, तो नहीं होंगे ये साइड इफेक्ट्स. थैंक यू सो मच. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेजर हेयर रिमूवल हो, यू कैन आस्क मी ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस. थैंक यू फॉर लिसनिंग.